नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली महिला के साथ दो अज्ञात बदमाशों ने मंगलसूत्र स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र की रहने वाली संध्या पवार ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपनी सास के साथ क्षेत्र में ही मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। वहां से निकलने के पश्चात मेन रोड पर पहुंची थी। उसी दौरान दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पहले उनकी एक्टिवा को कट मारा और उसी दौरान बैलेंस बिगड़ने से वो गिर पड़ी। उसका फायदा उठाकर बाइक सवार बदमाशों ने संध्या पवार के गले से सोने का मंगलसूत्र खींचकर भाग गए। संध्या पवार ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। कल रात करीब 9:45 बजे कृष्णबाग कॉलोनी में दो महिलाएं संध्या पवार और उनकी सास सुशीला पवार एक्टिवा से किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर कृष्णबाग ही जा रही थी। तो कृष्णबाग कॉलोनी में रोड पर, जो कॉलोनी का रोड है, उसमें एक बाइक में दो लड़के सामने से आए। उन्होंने महिला को, एक्टिवा जो चला रही थी, उसको कट मारा, जिससे वो डिसबैलेंस होकर गिरने लगी। उसी का फ़ायदा उठाकर वो बाइक सवार पीछे बैठे व्यक्ति, लड़के ने, जो एक्टिवा चला रही थी संध्या पवार, उसके गले से उसका मंगलसूत्र खींचकर और भाग गए हैं। महिला की, संध्या पवार की रिपोर्ट पर थाना एरोडम में धारा 392 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात की घटना है। रात में दुकानें वगैरह बंद हो गई थी। आज प्रयास करके सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।